रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने सब कुछ देख लिया था बेसिक बेसिक कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये बेसिक कुछ रेफरेंसेस और ये सारे फोल्डर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक फोल्डर है प्रॉपर्टीज़ का। आपके प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो अभी मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट बना है डॉट नेट के फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन का पूरा जो प्रोजेक्ट बना है, उसकी जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी भी एप्लीकेशन की, किसी भी प्रोजेक्ट की, वो यहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारे इसके स्टार्ट की, डिबग की, सब सब प्रॉपर्टीज होती हैं ये, ठीक है। फिर होता है रेफरेंसेस। मैं जो जो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर, लेट से इस तरह ये जो लाइब्रेरीज हैं सारी, ठीक है, इनके भी रेफरेंसेज होते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ ना, तो ये देखो ये सारे रेफरेंसेज हैं यहाँ पे, कहीं किसी चीज़ के, कहीं किसी चीज़ के, ठीक है, ये सारे रेफरेंसेज मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है ऐप डॉट कॉन्फिग। तो ये ऐप डॉट कॉन्फिग में क्या होता है, ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर ये एक्सएमएल की एक फाइल होती है, और इसके अंदर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कौन सा वर्जन है और राउटिंग वगैरह किस तरह से यहाँ पे काम करिए। देखो, डॉट नेट का बेसिकली फ्रेमवर्क यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो डॉट नेट का कौन सा वाला फ्रेमवर्क है। हम जब आगे एमवीसी वगैरह पढ़ेंगे या आगे आगे इससे मजीद अच्छी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, एमवीसी बेसिकली हम वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे अभी कंसोल के बाद ही, ठीक है। तो हम जब एमवीसी पढ़ेंगे ना, तो तब फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होंगी जिसमें डेटाबेस कनेक्शन, लेट से एमवीसी का वर्जन कौन सा है, ASP.NET का वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर फर्ज करो मैं ये .NET के फ्रेमवर्क के साथ नहीं कर रहा होता ना, मैं ये सारा काम नोटपैड पे या नोटपैड प्लस प्लस पे किसी भी ऐसी चीज़ पे कर रहा होता, तो मुझे कितना काम करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मुझे चार पांच फाइल्स बनानी पड़ती, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की फाइल बनानी पड़ती, प्रॉपर्टीज़ की फाइल में बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती, क्योंकि अभी तो मुझे वहाँ पर डिज़ाइनर व्यू मिल रहा है, क्योंकि .NET फ्रेमवर्क खुद से बना रहा है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, आपको एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर कुछ कंट्रोल्स बने बनाए होते हैं। जैसे यहाँ पे भी .NET का फ्रेमवर्क पहले से लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे 4.7.2 मैंने नहीं लिखा, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि .NET ने खुद ही इसको मैनेज कर लिया। अगर मैं .NET का फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहा होता, तो फिर प्रॉपर्टीज़ की अलग फाइल, रेफरेंसेज की अलग फाइल, ऐप डॉट कॉन्फिग की अलग फाइल, प्रोग्राम डॉट सी एस की अलग फाइल बनती है, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल सी शार्प की फाइल देखो ना, तो नॉर्मली इस तरह से रन भी नहीं होती पूरा। आपको क्या करना पड़ता है, अच्छी तरह से ना कंसोल जो आपकी CMD होती है उस पर कई कोई दो तीन लाइंस के थ्रू आपको पहले उसको पाथ्स देना होता है, एक पाथ डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि विजुअल स्टूडियो है। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर काम करते हैं हम, और इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, एफ एल्स की बात करते हैं। एफ एल्स में भी सबसे पहले कुछ बेसिक काम करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये सारे ऑपरेटर्स वगैरह हमने सारे पढ़ लिए थे, रिलेशनल भी सब सब कुछ कर लिया था, ठीक है। अब एफ एल्स की बात करते हैं, तो एफ एल्स के अंदर भी फिलहाल बेसिक कुछ काम करते हैं। लेट्स से एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं, किसी की एज का क्राइटेरिया चेक करना है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड एज, और मैं चाह रहा हूँ एज का तो यूज़र इनपुट लूँ, ठीक है, मैं खुद से ना एज एंटर करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी डब्ल्यू टैप टैप प्रेस किया मैंने, तो ये पूरा सी डब्ल्यू कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ आ गया, सही है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटर योर नेम, पता है बैक स्लैश एन तुम लोगों को क्यों यूज होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए, इस लाइन को यहाँ से स्किप यूज स्किप करने के लिए, ताकि आप जो नॉर्मल नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। अव्वल तो अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर कुछ लिख रहा हूँ ना, और अब मैं विदाउट देखना ज़रा, मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़र का इनपुट लूँगा, तो यहीं पे यूज़र का इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ। अब मुझे यूज़र का इनपुट कैसे लिखना है, यूज़र का इनपुट लेने के लिए मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एज, अब देखो यहाँ पे किस तरह सजेशन आते हैं, तो मैंने एज पे एंटर किया, इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या मसला है ये, इस पे होवर करते हैं और देखो ये क्या मसला कह रहा है।
देखो जरा पढ़ो, तुम लोग जरा ट्राई करो पढ़ने में, ये क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। देखो बहुत आसान है, जी डेटा टाइप में एरर है बिल्कुल। अगर यहाँ देखो ना इस मेथड को, तो कंसोल डॉट रीड लाइन एक मेथड है, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन की टाइप क्या है, देखो मैंने होवर भी किया हुआ है उस पर स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे कौन सी टाइप का डेटा दे रहा हूँ, एंट। जावास्क्रिप्ट में याद होगा, जावास्क्रिप्ट में हम इन डॉट पार्स यूज करते थे, जब हमें क्या करना होता था, इस तरह की कोई कन्वर्जन करनी होती थी। अभी मुझे इस तरह की कोई कन्वर्जन करनी होगी ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक मेथड यूज करूंगा, और वो मेथड क्या होता है, ओ सॉरी, जावास्क्रिप्ट में पार्स इंट होता था, और यहाँ पे क्या होता है, इन डॉट पार्स या तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। मैं इन डॉट पार्स यूज करूंगा, तो आई एन टी डॉट, और अब क्या करो, इस पूरे को उठाओ, अभी देखो ये तो स्ट्रिंग में है, लेकिन अब क्या हो गया, हमने मैनेज कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीजर के अंदर रख लिया, तो अब इनपुट आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब जब इनपुट आ गया, तो अब हम इफ एल्स से चेक करा लेते हैं, इफ, और इसके अंदर चेक करते हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो लेट से 15 के, ठीक है। कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, देखो बिल्ड हो गया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो बिल्ड हो गया और एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मैंने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझसे ये इनपुट ले रहा है। हालांकि सी लैंग्वेज के अंदर अगर तुम लोगों को याद हो, तो अगर हम प्रिंट एफ की लाइन के एंड पे बैक स्लैश एन यूज नहीं करते थे, तो क्या होता था, स्कैन एफ उसी लाइन से जॉइंट हो जाता था और वहीं से इनपुट लेना शुरू कर देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट रीड नहीं है, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन है, यानी पूरी लाइन ये कवर करेगा। अगर मैं सिर्फ खाली एक कंसोल डॉट रीड लाइन लिख दूंगा ना, तो क्या होगा, एक गैप आ जाएगा बीच में ये इनपुट के और ऊपर वाले स्टेटमेंट के बीच में। फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था, जिसमें गैप आया था, यानी जो कि पूरी एक लाइन राइट कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा, तो होगा क्या, पूरी लाइन रीड करेगा, सही है, और उसके अंदर एक ही वेरिएबल की वैल्यू है, यानी जाहिर है एक ही वेरिएबल की वैल्यू होगी, तो उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन क्या करेगा, कवर ये पूरी लाइन करेगा, सही है। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 16, उसने मुझे क्या कहा, यू आर अलाउड टू कम, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो जाहिर है, ये मेरी जो फाइल थी वो बंद हो गई। अब ऐसा कर लेते हैं कि इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं, और मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई 14, जब मैंने इसे 14 कहा ना और एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। क्यों मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ये कह सकते हो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन डिफाइन नहीं की थी कि अगर मैं 14 प्रेस करूं तो क्या हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कहता हूँ एल्स, मैं कह देता हूँ कि इनवैलिड एज, कंट्रोल F5। अब मैं 12 प्रेस करता हूँ तो इनवैलिड एज, सही है। अभी यहां तक मसला, हाँ जी यहां तक मसला, चलो ऐसा करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पूरे काम को मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल कैसे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है,
आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं, लेट से एक और वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल ले रहे हैं कुछ चीज, कुछ चॉइस हम पूछते हैं यूजर से, तो अब मल्टीपल इफ्स लगाने पड़ेंगे इफ्स एल्स के साथ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार यूजर से पूछता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ठीक है, और choose your desired product, ठीक है, और backslash n वन पे देते हैं हम, लेट से टू पे देते हैं हम और backslash n कैमरा देते हैं थ्री पे, सही है। तो मैंने तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड करनी है, अब बैक स्लैश एन इनमें आएगा ही आएगा, और कंसोल डॉट रीड टाइम के अंदर में यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट इन डॉट पार्स के थ्रू ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट जो है वो बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ, और अब इफ के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर बराबर होती है वन के तो क्या हो जाए, अगर प्रोडक्ट वन के बराबर होती है तो लेट से मैं कोई सर्टन कंडीशन दे देता हूँ। अच्छा ये इफ एल्स जो है ना मैं आज खत्म नहीं कर रहा हूँ, ये इफ एल्स मैं नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इनको लूप से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या अगर ये फाइल सीजन खत्म होता है नेक्स्ट क्लास में तो फिर हम आगे लूप से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे जाहिर है एक हफ्ते बाद आ रही होगी, तो रिवीजन का या इस तरह का कोई अगर सिनेरियो बने तो फिर उसको देख लेंगे, सही है। तो मैं अभी इसको इफ एल्स ही सिंपल इफ एल्स और एल्स इफ हम कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ अगर वो खत्म हो गई तो स्विच स्टेटमेंट्स के साथ फिर लूप्स वगैरह की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, लेट से मैं फिलहाल सिर्फ एक कंसोल पर सेंटेंस ही प्रिंट करा देता हूँ, और मैं इससे कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ यू चोज, यू चोज फोन, फर्स्ट पे फोन था ना, वरना पहले सिर्फ इफ करते हैं, ठीक है, यू चूज सेकंड पे था लैपटॉप, और थर्ड पे है मैंने कहा ठीक है, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, तो उसे तीन ऑप्शंस दिए, मैंने सेकंड सेलेक्ट किया, इसने कहा यू चूज लैपटॉप, सही जा रहे बिल्कुल। हाँ जी सही जा रहे बिल्कुल, इस पूरे मामले में पूरे मसले में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, किसी चीज में ज्यादा प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे बताएं।
बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे यूज किया होगा, C#, सी लैंग्वेज में हमने ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है? तो ये आसान लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो अभी इफ एल्स तक आसान लगेंगे, इफ एल्स और स्विच केसेस तक बहुत आसान लगेंगे, फिर हम जब आगे जाएंगे ना क्लासेस के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के अंदर पता चलेगा C# का, फिर मज़ा आएगा, ठीक है? खैर, और उम्मीद करता हूँ यार जब तक तो सेंटर भी खुल जाए तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में। अच्छा फिर इसके बाद मैं फिर अभी देखो इफ एल्स कैसे चल रहे होते हैं। इफ एल्स का ये होता है ये कंडीशन सुनी, तुमसे पूछा गया ये, यानी हमसे पूछा गया 3 ऑप्शंस का। हमारे पास एक लेट से कोई सेल्स मैन है, कोई कोई बंदा आया हमारे सामने, उसने हमें 3 चॉइसेस दी, हमने कहा ये चॉइस है हमारी, उसने हमें दे दी चॉइस। लेकिन अब कोई मुझसे पूछे ऐसे कि अगर तुमने 1 सेलेक्ट किया तो तुम्हें फ़ोन देंगे, अगर 2 सेलेक्ट किया तो लैपटॉप देंगे, अगर 3 सेलेक्ट किया तो कैमरा देंगे। लेकिन ये तो ऐसी चॉइस है कि जिसमें अगर तुमने पहले सेलेक्ट कर लिया ना तो वहाँ हम दूसरी कंडीशन देखेंगे ही नहीं, ठीक है? यानी अगर तुमने कंडीशन एक कंडीशन को सेलेक्ट कर लिया ना, फर्ज करो तुमने 1 सेलेक्ट किया, तो क्या होगा दूसरा और तीसरा इफ चलेगा ही नहीं, सही है? लेकिन हम एक टर्म यूज़ कर रहे होते थे इफ एल्स इफ, सही है? इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखना ये जो इफ है ना, मैं इनको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एल्स इफ कर देता हूँ, मैंने एल्स कर लिया। इसका भी तुम लोगों को पता होगा इफ और एल्स इफ का। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीनों कंडीशंस चेक होती हैं। यहाँ पे होता है अगर यूजर ने 1 सेलेक्ट किया तो उसको आंसर दिखा दें, वरना अगर यूजर ने 2 सेलेक्ट किया तो उसको आप ये आंसर दिखा दें कि उसकी कंडीशन चल जाए, वरना अगर यूजर ने 3 सेलेक्ट किया तो यूजर को ये कंडीशन आप दिखा दें या ये उसके साथ ये कोड शेयर कर लें। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इफ के या इफ एल्स इफ के कोई भी चीज़ आ सकती है, यानी कोई भी बेसिकली अगर आप कहो तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही लिखो जो मैं लिख रहा हूँ। आप ज़ाहिर है यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आप कोई फंक्शन पास कर दो अपनी मर्जी का, कि अगर यूज़र ये सेलेक्ट करे तो फिर ये फंक्शन चल जाए, ठीक है? वो तुम लोगों का अंदाजा है किस तरह से होता है, सिर्फ फंक्शन कॉल यहाँ पे कराने होते हैं, फंक्शन कहीं भी बाहर बना लो और फंक्शन को फिर यहाँ कॉल करा दो तो फंक्शन चल जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये काम हो रहा होता है। अच्छा अगर इससे भी थोड़ा सा एक हाथ आगे बढ़े तो तुम नेस्टिंग कर सकते हो इफ एल्स इफ के साथ, यानी तुम इफ एल्स इफ की जो नेस्टिंग वगैरह है वो कर सकते हो, ठीक है? अगर इस इफ एल्स इफ को लेट से मैं क्या करता हूँ कि कंडीशन ऐसी देता हूँ कि जो इसमें ना हो, मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो फिर बंद हो गई, मेरी फाइल फिर बंद हो गई, ठीक है? मेरा प्रोजेक्ट फिर से गया। बस अभी हुआ ये कि अब की मरतबा ये बंद नहीं हुआ, अब की मरतबा ये एग्जिट हो गया वहीं पे, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक एल्स की कंडीशन देता हूँ, एक एल्स लगा देता हूँ, एल्स की कभी कंडीशन नहीं होती। इनवैलिड सिलेक्शन कंट्रोल F5। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नंबर देता हूँ तो ये मुझसे कहेगा इनवैलिड सिलेक्शन, यानी अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा, मैं कोई अल्फाबेट सेट कर लूँगा अजीब अजीब से तो ये मुझसे क्या कहेगा आपने गलत सिलेक्शन किया, सही है? ये एक्सेप्शन आई है क्योंकि टाइप मैंने गलत दी है टेक्स्ट की, सही है? तो ये क्या आई है, ये एक्सेप्शन आई है, इसे एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन ऐसे यानी अगर हमारी लैंग्वेज में कहे ना, अगर अगर मेरी और तुम्हारी लैंग्वेज जो आपके कोडिंग की लैंग्वेज हो गई है, ठीक है, तो इसे कहते हैं कोड का फट जाना। क्या कहते हैं, कोड का फट जाना, यानी कोड हम कहते हैं कि कोड फट गया, एक्सेप्शन आ गई कोड फट गया, सही है? कोड के फटने का मतलब ये होता है कि ऐसे ही ये कोड कोड में सुराख हो गया या कोड में कोई होल हो गया, कोड पंचर वंक्चर हो गया, नहीं इसका मतलब ये होता है कि कोड बीच में से कहीं लैग कर रहा है, ठीक है? कोड के अंदर बीच में कहीं बहुत लूप होल्स हैं इसकी वजह से हो गया रहा है कि आप कोड जो है वो आपका क्रैश हो रहा है बार बार, सही है? इसका मतलब ये होता है। और कोई अननोन एरर आ जाए, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आप जब कर रहे थे तब वो एरर आपको शो नहीं हुआ, लेकिन जब आपने अभी कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर दिया है तो उसका एरर रन टाइम के ऊपर जो एरर आते हैं वो एक्सेप्शन कहलाती हैं, ठीक है? अच्छा ये इफ एल्स इफ हो गए, इसके अंदर यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम
हाँ भाई यहाँ तक प्रॉब्लम। हाँ सो रहे हैं क्या? या सबको समझ में आ रहे हैं? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई मसला वगैरह? अच्छा नहीं है। अच्छा तुम मुझे ऐसा करके दिखाओ, लेट्स से कोई हम लास्ट क्लास वाला काम कर लेते हैं। मुझे याद आया कि तुम लोगों ने कहा था लास्ट क्लास में वाला काम सी शार्प के जरिए करा रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, लास्ट वाला हम लोगों ने ये लॉजिक सी लैंग्वेज में बनाई थी, वो दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करने वाली लॉजिक, ठीक है? तो मुझे याद आया कि वो बनानी थी, यानी मैंने सरमत से कहा था कि मैं बनवा दूंगा, मैं वो बनवा देता हूँ, ठीक है? बाकी इफ और एल्स इफ को अभी यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेस्टिंग देखेंगे, किस तरह से आप इफ के अंदर एक और इफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो नेस्टिंग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं इफ एल्स को यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है? और इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं एक मरतबा रिवाइज भी करा दूंगा और फिर आगे भी इसको लेके चलेंगे, ठीक है? ताकि अभी आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज भी हो जाए, तो और आगे भी तुम लोगों का काम आ सके, ठीक है? इस पूरे को कमेंट कर रहा हूँ मैं। देखो इस तरह से भी कमेंट हो सकता है, शिफ्ट प्लस ऑल्टर, और ये सारी लाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अब क्या होगा, लेकिन सारी लाइंस कमेंट हो जाएंगी, जो जिस लाइन में कुछ नहीं भी लिखा हुआ ना वो भी लाइन से कमेंट हो जाएगी। इसलिए अब क्या करो, इसको सिंपली कमेंट करो, मैं भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम हो रहा होता है नॉर्मल। कंट्रोल केसी, ठीक है जी, कमेंट हो गया सारा। और अब आगे बढ़ जाते हैं, अब वो वाला लास्ट क्लास वाला काम देख लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है? दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, ए कॉमा बी, दोनों में वैल्यूज लिख लेते हैं यूजर से, इक्वल्स टू एन डॉट पार्स, क्योंकि इंटीजर वाली वैल्यूज हैं। रीड लाइन, ठीक है? ये दो यूजर इनपुट्स भी आ गए। अब क्या करते हैं, अब अपना सब काम करते हैं। मुझे ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफर करना है और बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफर करना है। लेट्स से अगर ए में 2 है और बी में 3 है, तो मैं चाह रहा हूँ बी में 2 आ जाए और ए में 3 आ जाए, सही है? किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं कॉमेंट्स के साथ साथ बताता भी रहता हूँ, 3 और 2 के साथ ही खेलते हैं। अगर जहन में आई गई वैल्यूज तो मैं कहता हूँ इक्वल्स टू ए प्लस, और कमेंट के साथ इसका डेमोंस्ट्रेशन भी देख लेता हूँ। ए में 2 था, 2 हाँ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, बी में 3 था, ए में 2 था, सही है? तो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। इसका मतलब है 2 अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू मुझे मिलेगी ना वो 5 मिलेगी। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं बी को ज़रा देखता हूँ, मैं बी के अंदर से ए की वैल्यू ले लेता हूँ, बी के अंदर से यानी ए के अंदर से मैं ए की वैल्यू बी में ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ बी इज इक्वल्स टू क्या, ए माइनस बी। ए में क्या है, ए की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, फाइव हो चुकी है, सही है? तो जब ए की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो अब अगर यहाँ देखो, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई b की वैल्यू पहले 3 थी, तो
थ्री